अमेठी में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने अपर पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वह सब जनपद में पूरी तरीके से मुस्तैद है। साथ ही पुलिस SDM और समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। जिले को 14 सेक्टर 4 जोन में बांट दिया गया है। इसके साथ ही सभी जगह पर पुलिस अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति करके सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्रों में सील किया गया है। DM ने कहा कि धर्मगुरुओं, अलग अलग पार्टी के नेताओं, विद्यालय के प्रधानाचार्य के अलावा यहां के पत्रकारों के साथ भी समीक्षा बैठक की गई है। जिले में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। हम लोग कल से ही जो है सभी चौकस हैं, मुस्तैद हैं। कल शाम से ही सभी SDM और CO और पुलिस के संबंधित मजिस्ट्रेट और अधिकारियों को जो है निर्देशित किया गया कि अपने अपने क्षेत्र में जाए। पूर्व में जो हमारी सेक्टर जोनल व्यवस्था थी, इसको हम लोगों ने पुनः संचालन किया है। 14 सेक्टर्स और 4 जोन में हम लोगों ने पूरे जिले को विभाजित किया है और उसी में हम लोगों ने मजिस्ट्रेट और CO की पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की है। सभी लोग कल शाम से ही अपने क्षेत्र में है। कल शाम को सभी थाना अध्यक्षों को भी निश्चित किया गया कि अपने क्षेत्र में जो है गश्ती करते हैं और राउंड लेना शुरू करें। तत्पश्चात उनके द्वारा कार्रवाई की गई। सुबह भी प्रातः 8 से 10 के बीच में सभी मजिस्ट्रेट, सभी SDM, CO और एडिशनल SP और ADM अपने अपने क्षेत्र में गए हैं। उन्होंने अपने यहाँ पर जो सुरक्षा के जो है उनका जायजा लिया है। तत्पश्चात आज प्रातः 11 बजे से हम लोगों ने सभी धर्मगुरुओं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में, यहाँ के स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल्स के साथ में और मीडिया बंधुओं के साथ में हम लोगों ने एक बैठक की है कि किसी प्रकार की कोई किसी के मन में कोई संशय है या कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया गया है।